हेलो डियर्स, चलिए आज हम कुछ फार्मूला आप लोग को क्लास नाइन्थ का लिखवाने चल रहे हैं, जो कि पृष्ठीय क्षेत्रफल का होगा, जिसमें हम लोग घन घनाभ से स्टार्ट करेंगे और बेलन का पढ़ेंगे, संघ का पढ़ेंगे, गोले का पढ़ेंगे, वृत्त का पढ़ेंगे, खोखले बेलन का पढ़ेंगे, ठीक है, इन सबका पढ़ने चलते हैं। छिन्नक का भी हम यही पढ़ा देंगे आप लोग को, जो कि क्लास टेंथ में पढ़ना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। घन और घनाभ, घन, ये घन होता है क्या है, क्यों होता है क्या है, इसको देखिए। आप लोग बहुत लूडो खेले होंगे और उसमें आपने देखा होगा कि जो एक गीत होती थी ना पहले, जिसमें छह अंक रहते थे, आप लोग उसको एक छोटे से प्लास्टिक के बाल्टी में भरकर, सॉरी डिब्बी में भरकर झल लेते थे और फेंकते थे, वो सब घन होते हैं। तो जिसकी सारी भुजाएं क्या हो, बराबर हो, सभी भुजाएं क्या हो, बराबर हो, क्या होता है, घन होता है। ठीक है, आपने क्यों देखा होगा कि वो घन होता है। घनाभ क्या होता है फिर, घनाभ क्या होता है, क्यूबॉइड क्या होता है, कुछ भुजाएं बराबर हो, कुछ ना बराबर हो, ठीक है, या आप ऐसा कह सकते हैं जिसकी सारी भुजाएं अलग अलग हो। यल बी एच, ये तीनों भुजाएं अलग अलग हैं तो घनाभ कहलाएंगी, ये तीनों भुजाएं सेम है तो घन कहलाएंगी। लेकिन समस्या ये है कि ये दो भुजाएं बराबर हो, तीसरी केवल अलग हो। जैसे हम कह दें यदि ये यल है, ये भी यल हो, ये एच हो, तो क्या घन कहलाएगा या घनाभ? यदि तीनों भुजा बराबर तो घन होगा, यदि तीनों में से एक को भुजा आपका भिन्न है, अलग है, तो क्या कहलाएगा, घनाभ कहलाएगा। क्या कहलाएगा, घनाभ कहलाएगा, ठीक है। इसमें कितने कोने होते हैं, तो आप देख सकते हैं किसी भी कमरे के अंदर कितने कोने हो सकते हैं, तो आप देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कोनों की संख्या कितनी होगी, कोने कितने होंगे, 8। अब ये घन में भी होगा और घनाभ में भी होगा। दूसरी बात, कितने किनारे होते हैं, यदि किसी कमरे के आप किनारे गिनने जाएंगे तो आपको कितने मिलेंगे, देखो 4 नीचे 4 ऊपर 8 और 4 जो खड़ा खड़ा वाला लगा है 12, यानी किनारे कितने होंगे, 12 हो जाएंगे। अब ये घन में भी होगा और घनाभ में भी होगा। दूसरी बात, कितने पृष्ठीय क्षेत्रफल हो, सॉरी पृष्ठ होते हैं, या कितने फलक होते हैं, कितने सतह होते हैं, कितने सरफेस होता है, या कितने साइडर होंगे जिनसे ये कवर होगा, बंद होगा, तो इसको देखिए, सतह कितने होंगे, 6 तो होगा भाई, चारों तरफ का 4 हो गया और एक नीचे का एक ऊपर का, तो कितना हो गया, 6 हो गया, तो सतह कितने होंगे, 6 हो जाएगा। चलिए, एक सतह हो गया, किनारे हो गए, कोने हो गए। अब क्या करेंगे, अब हम इनका देखते हैं आयतन क्या होगा। तो सबसे पहले पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय एरिया क्षेत्रफल कितना होगा, तो एक देखो प्रत्येक भुजा है बराबर, तो एक भुजा वर्गाकार कहलाएगी, यानी प्रत्येक सतह इसकी क्या होगी, वर्गाकार होगी, और किसी वर्ग की जो भुजाएं होती हैं, सॉरी क्षेत्रफल होता है, वो क्या होता है, ये स्क्वायर, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, ये स्क्वायर, ठीक। अब ये स्क्वायर इसका होता है तो 6 सतह है तो 6 स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा, एरिया का मात्रक क्या होगा, वर्ग सेंटीमीटर, क्या होगा, वर्ग सेंटीमीटर। अब ये सेंटीमीटर लगा के भुजाएं हमें मीटर में दे रखा है, तो हम मीटर में लगाएंगे, किलोमीटर में तो किलोमीटर में, वैसे घन में किलोमीटर नहीं आता है। फिर आएगा कि इसका आयतन कितना, आयतन मतलब ये हुआ कि इसके अंदर हम कुछ भरना चाहें, कुछ फिलअप करना चाहें, तो कितना भर सकते हैं, ये इसका आयतन बताएगा। तो इसका आयतन कितना होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, लेकिन समस्या है कि इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सबके सब है बराबर, तो हम सबको ये मान लेंगे, तो बनेगा क्या, ये क्यूब बन जाएगा, क्या बन जाएगा, ये क्यूब। अच्छा, मात्र क्या होगा, घन सेंटीमीटर, घन सेंटीमीटर मतलब 3 सेंटीमीटर घन, या हम इसको ऐसे भी कहीं कहीं लिखा देखेंगे, क्यूब, क्यूब का मतलब सेंटीमीटर 3 बार आया है, एक बार इस भुजा में आएगा, इस बार इसमें, एक बार इसमें आएगा, तो सेंटीमीटर क्यूब बन जाएगा। फिर आता है विकर्ण की लंबाई, विकर्ण, विकर्ण होता है √3, क्या होता है, √3 सेंटीमीटर। विकर्ण का मतलब हो गया इस कोने से स्टार्ट कीजिए और इस कोने तक जाइए, यहां से स्टार्ट कीजिए यहां तक जाइए, ठीक है, तिरछा तिरछा जो होगा उसे हम क्या बोलते हैं, विकर्ण बोलते हैं, डायगोनल बोलते हैं। चलिए बाबू, अब हम घनाभ में देखते हैं क्या होगा, सेम चीजें, तीनों चीजें हम घनाभ में लिखेंगे, बाकी कोने कितने होते हैं, किनारे कितने होते हैं, सतह हम आपको बता चुके हैं। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, पृष्ठीय एरिया या पृष्ठीय क्षेत्रफल, देखिए इसमें 6 सतह है, तो 6 सतह है, तो सबसे पहले तो 2-2 सतह, यानी दो दीवाले साइड साइड की जो होंगी
वो क्या होंगी, बराबर होगी, दो आगे पीछे की क्या होंगी, बराबर होगी, और जितना उसका फ्लोर होगा उतना ही उसका छत होगा, मतलब फर्श और छत वाले बराबर होंगे, यानी दो दो चीजें बराबर होंगी। तो टू एल बी धन बी एच धन एच एल, लंबाई गुणे चौड़ाई, चौड़ाई गुणे ऊंचाई और ऊंचाई गुणे लंबाई। अब क्षेत्रफल का मात्रक वही होगा सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेंटीमीटर या वर्ग इकाई, या मीटर होगा तो मीटर लिखेंगे और सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर लिखेंगे। ठीक, फिर इसका आ गया आयतन। आयतन में होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, एल बी एच कहते हैं इसको हम, मीटर क्यूब सेंटीमीटर क्यूब इकाई क्यूब जो भी दे रखेगा, मीटर में सारी बजाय है तो मीटर क्यूब लिखेंगे, सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर में लिखेंगे। फिर आएगा बिकर्ण की लंबाई, क्या आएगा बिकर्ण की लंबाई, तो अंडर रूट के अंदर सूत्र होता है एल स्क्वायर धन बी स्क्वायर धन एच स्क्वायर, ये फॉर्मूला आएगा। ठीक है, तो ये रहा घन और घनाभ। इसके बाद हम पढ़ेंगे बेलन, क्या पढ़ेंगे बाबू, बेलन पढ़ेंगे। तो बेलन क्या होता है इसको चलिए पढ़ते हैं। तो इसको आप वीडियो को रोक के नोट कर सकते हैं, नोट है ही आप लोग का। ठीक, ओके, चलिए मिटा रहा हूं। ओके, चलिए सबसे पहले, चलिए बेलन से पहले हम वृत्त देख लेते हैं क्या होता है, सर्किल वृत्त। आपने रिंग देखा है, चूड़ी चुल्ला जो होता है वो वृत्त होता है, क्या होता है वृत्त होता है। ठीक है, और रिंग चूड़ी जो होता है ये क्या होता है वृत्त होता है। इसकी त्रिज्या हम मान लेंगे यार, पूछा जाए कि इसका परिधि क्या है, परिमाप क्या है, परिधि या परिमाप का मतलब होगा चारों तरफ की दूरी, चली गई चारों तरफ की दूरी, तो त्रिज्या है तो परिधि कितनी हो जाएगी 2πr, कितनी हो जाएगी 2πr। अच्छा ये त्रिज्या है तो ये दुगुना इसका व्यास कर जाएगा, यदि मैं व्यास निकालूं तो जस्ट डबल आप रेडियस, इसका अल्टा डायमीटर, व्यास इसका हो जाएगा। फिर हम पूछे कि इसका एरिया कितना होगा, ये पूरा एरिया कितना क्षेत्रफल कवर करेगा, इसको पेंट करवाना हो, बराबर करवाने हो, ऐसे सवाल आएंगे। एक वृत्ताकार खेल का मैदान है जिसको बराबर कराने का खर्च कितना आएगा, ऐसे सवाल आपके में पाया जाएगा। तो व्यास है तो क्षेत्रफल निकाल लीजिए, एरिया कितना हो जाएगा, तो एरिया पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, दूसरी बात इसका आयतन क्या होगा बाबू, आयतन वहां होता है जिसमें कुछ भरा जा सके, रखा जा सके। जिससे मान लीजिए ये बोतल है तो इसका आयतन होगा, क्यों, क्योंकि इसमें कुछ भरा जा सका है। ठीक है, लेकिन अब पूछे कि ये ढक्कन है, इसके ढक्कन के ऊपरी सतह का आयतन, ऊपरी सतह का, अंदर से नहीं, इधर से नहीं, इधर से, तो इसमें कुछ भरा जा सकता है, नहीं भरा जा सकता ना, तो इसका आयतन नहीं होगा। ये जैसे मान लीजिए पूछा है कि कोई पेपर शीट है, कोई मान लीजिए पेपर है, कोई पन्ना है, अब पूछे कि इसका आयतन क्या होगा, तो उसमें कुछ भरा तो जा नहीं सकता, तो उसका आयतन नहीं होगा, तो इसका आयतन क्या होगा, आयतन नहीं होता है। ठीक है, दूसरी बात इसके परिधि द्वारा इसके केंद्र पर सेंटर पर कितना कोण बनता है, इसके परिधि द्वारा इसके सेंटर पर कितना कोण बनता है, तो कोण कितना आ जाएगा, तो कुछ नहीं करना है, कोण बराबर चाप बटा त्रिज्या होता है, कोण बराबर सूत्र होता है चाप बटा त्रिज्या, तो चाप बटा त्रिज्या, इंग्लिश में बोलते हैं एंगल इक्वल टू आर कपान रेडियस, एंगल इक्वल टू आर कपान रेडियस। अब यहां से यहां तक का चाप बोले तो परिधि के बराबर होगा 2πr, और त्रिज्या कितनी है आर, आर से आर मर गया बोले तो 2π, यानी जो सेंटर पर कोण बनता है 2π रेडियन, ये रेडियन में आएगा कोण। ये देखो मैं अंश में लिखना चाहूं तो छोटे छोटे बच्चों को भी बताऊंगा कि जो पाई रेडियन होता है 380 अंश के बराबर होता है, तो यहां जो कोण आ जाएगा वो 2×180 बोले तो 360 अंश का आएगा, यानी किसी भी सर्कल के सेंटर पर जो कोण बनता है वो कितना बनता है 360 अंश का बनता है या 2π रेडियन का बनता है। ठीक है, ये आपका क्या रहा सर्किल रहा, इसको आप नोट करेंगे, नोट करना आप लोग को, ये है नोट आए। ओके चलिए मिटा रहा हूं, अब मैं इसके बाद आप लोग को पढ़ा रहा हूं स्फीयर गोला क्या होता है। चलिए स्फीयर देखिए गोला क्या होता है, आपने बॉल देखा है बाबू, गेंद, वो क्या होता है गोला होता है। अंतर क्या होता है सर वृत्त गोले में, अंतर केवल इतना होता है वृत्त के सेंटर को आप टच कर सकते हैं और जो भी गोला आया है इसके सेंटर को नहीं टच करेंगे। जैसे मान लीजिए कोई गेंद है,
कि आप उसके सेंटर को टच कर सकते हैं, केंद्र को किसी साइड से भी नहीं टच कर पाएंगे ना, तो गोले के केंद्र को नहीं टच कर सकते हैं, बट सर्किल जो था अभी इसके पहले वाला वृत्ति उसके सेंटर को जाके आराम से और टच करके भाग आएंगे, ठीक है, तक से टच करके वापस आ जाएंगे। तो चलिए इसमें देखते हैं क्या क्या होगा। अब इसमें कह दे पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, परिधि क्या होगा, परिमाप क्या होगा, क्षेत्रफल क्या होगा इसका पृष्ठ सतह का, सब कुछ 4πr² होगा। क्या होगा? 4πr², क्योंकि मान लीजिए कोई वॉल है, कोई फुटबॉल है, अब उसको जितना बाहर बाहर का कवर होगा वही उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कहलाएगा, वही उसका परिधि कहलाएगा, वही उसका परिमाप कहलाएगा, सब कुछ वही होगा, ठीक है। तो क्या होगा? 4πr², ये 4πr² आ जाएगा। दूसरी बात क्या पूछे कि ये पूछे कि इसका जो परिमाप होता है, परिधि होता है, इसके सेंटर पर कितना कोण बनाता है, तो सेंटर पर जो कोण बनेगा केंद्र पर कोण वो 720 अंश का बनता है। आप देख रहे हैं ना 4π है, तो 720 अंश या 4π रेडियन का, कोण का मात्र 2 होता है, एक अंश होता है रेडियन और होते हैं, लेकिन अभी आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, वैसे मात्रक और होता है अंश और रेडियन के अलावा भी कोण का, ठीक है। फिर आता है इसका आयतन क्या होगा। आयतन तो गोले का आयतन 4/3πr³ होता है, ठीक है, त्रिज्या का क्यूब कर देंगे 4/3πr³ हो जाएगा। ये तो सब रहा गोले का, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे अर्धगोले का क्या क्या होता है, तो इसके बगले में चलिए काम कुछ कर लेते हैं, अर्धगोले की बात करते हैं। अर्धगोला, आधा गोला, जैसे इसकी त्रिज्या r हो, क्या हो? r हो, तो ये आपको आधा गोला लग रहा होगा, ठीक है। तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा, तो देखिए ये हम नीचे नीचे के बात करेंगे, तो इसका वक्र पृष्ठ मतलब बाहर का पृष्ठ 2πr² होगा। क्यों? क्योंकि गोले का 4πr², तो आधा है तो 2πr² हो जाएगा। लेकिन यदि हम संपूर्ण पृष्ठ की बात करें तो नीचे तो 2πr², लेकिन जब किसी वृत्त को हम काटते हैं या किसी गोले को जब काटेंगे तो जो कटा हुआ, जैसे मान लीजिए किसी तरबूज को आप काट रहे हैं, तो तरबूज का जो कटा हुआ भाग होगा ऊपर एक वृत्ताकार भाग बनेगा ना, तो उसका क्षेत्रफल लगाने के लिए हम वृत्त का क्षेत्रफल लगाएंगे। तो पहले 2πr² था, ऊपर जो कटा हुआ भाग आया, क्रॉस सेक्शनल भाग आया, वो वृत्त आया, तो क्या आएगा? πr² आ जाएगा। तो 2πr² तो वक्र हो गया प्लस πr² ऊपर वाला हो गया, बोले तो 3πr², यानी अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 3πr² होता है, ठीक है। क्या होता है? 3πr² होता है, लेकिन अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्या होता है? 2πr² होता है। अब हम इसके आयतन की बात करते हैं, तो इसका आयतन क्या होगा? तो पूरे गोले का 4/3πr³, तो आधा गोला है तो आधा उसको भी कर दीजिए 2/3πr³। ये संपूर्ण गोले का रहा, ये मत अर्ध गोले का रहा, आप इसको नोट कीजिए। उसके बाद आगे हम बेलन का लगा रहे हैं, शंख का लगा रहे हैं, ठीक है, नोट कर लीजिए, इसको नोट कीजिए। सॉरी, आज हम लोग बेलन पढ़ेंगे अब, ठीक है। जब भी आपके बेलन की बात आए तो आप समझिएगा कि ठोस बेलन है, खोखला बेलन नहीं है, ठीक है। तो बेलन देखते हैं क्या होगा। ये ऐसे हो जाएगा और ये ऐसे, ये कोई सिलेंडर है, ठीक है, ये कोई सिलेंडर है। हम मान लेंगे इसका जो ऊंचाई है ये h है, इसकी ऊंचाई क्या है? h है, और इसका जो रेडियस है, त्रिज्या, वो कितनी है? r। तो ये तो कोई बेलन है, तो उसका शीर्ष मतलब उसका जो नीचे वाला पार्ट होगा या ऊपर वाला, दोनों मुख कैसे होगा? जैसे मान लीजिए कोई सिलेंडर है, ये कोई बेलन है, तो इसके नीचे और ऊपर वाले शीर्ष कैसे होंगे? वृत्ताकार होंगे या नहीं होंगे?
होंगे वृत्ताकार, ठीक है। तो नीचे और ऊपर क्या है, वृत्ताकार होते हैं। तो इसमें क्या क्या निकलता है, सबसे पहले निकलता है इनके शीर्ष का परिधि, शीर्ष का परिधि, शीर्ष का परिधि। तो इनके जो शीर्ष होते हैं, मतलब जो वर्टेक्स होते हैं, इनके दोनों तरफ के सिरे होते हैं, वो वृत्ताकार होते हैं। तो वही लगेगा जो वृत्त का परिधि होगा, 2πr। अब आता है इसका वक्र पृष्ठ कितना होता है, मतलब इसके बाहर बाहर का, या वक्र पृष्ठ की जब भी मैं बात करूंगा तो आप ये समझ लीजिए कि ये ऊपर वाला सेंटर छोड़कर और नीचे वाला को छोड़कर, ये केवल बाहर जो राउंड में लगा है ना, उसकी बात करूंगा, ठीक है। इसे मान लीजिए मार्कर कोई बेलन है, मैं नीचे और ऊपर को छोड़कर जो राउंड राउंड लगा है उसको मैं वक्र पृष्ठ के नाम से जानूंगा, ठीक है। वक्र पृष्ठ क्या हो जाएगा, 2πr, 2πr है, एच लगा दीजिए बस, 2πrh होगा। कितना सेंटीमीटर होगा, 2πrh सेंटीमीटर होगा। उसके बाद आएगा संपूर्ण पृष्ठ, क्या आएगा, संपूर्ण पृष्ठ। संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा, जैसे वक्र तो हो गया, अब मान लीजिए आप नीचे और ऊपर दोनों को ऐड कर देंगे तो संपूर्ण आ जाएगा। तो नीचे ऊपर तो वृत्ताकार भाग है ना, यानी दो वृत्त का भी ऐड होगा, तो 2πrh तो रहेगा ही रहेगा, सॉरी इनटू है, प्लस 2πr², क्योंकि नीचे ऊपर दो वृत्ताकार भाग है। अब यहां से आप 2πr कॉमन लेंगे तो h प्लस r आ जाएगा। ये आपका संपूर्ण पृष्ठ, ये वक्र पृष्ठ, ये शीर्ष का या आधार का परिधि हो गया, आधार भी कह सकते हैं शीर्ष भी, क्योंकि ऊपर वाला शीर्ष कहलाएगा, जिसके बले रखा रहेगा वो क्या कहलाएगा, आधार कहलाएगा। अब आता है आयतन, क्या आता है आयतन, इसका आयतन क्या होगा, इसका आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। आयतन में हमेशा सेंटीमीटर क्यूब या मीटर क्यूब होगा, और बाकी इन दोनों में क्या होगा, इसको छोड़कर इन दोनों में जो होगा वो मीटर स्क्वायर होगा या सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, जो भी होगा इसमें क्या होगा, मीटर या सेंटीमीटर जो भी होगा वो होगा, ठीक है। ये आपका बेलन रहा, सिलेंडर रहा, ये कैसा है, इसको हम लोग ठोस बेलन के नाम से जानेंगे, किसे जानेंगे, ठोस बेलन, ठीक है। ये आप नोट कीजिए, इसको नोट कीजिए ठोस बेलन को। चलिए बच्चों, अब हम देखते हैं खोखला बेलन क्या होगा। तो खोखला बेलन आप समझ सकते हैं कि जैसे ये मार्कर है, अब इसके अंदर जो रिफिल भरी है, रिफिल को निकाल दे तो एक खोखला बेलन बन जाएगा। जैसे आप कोई भी पाइप देख लीजिए, तमाम पाइप आती है, पानी की पाइप आती है, बोरिंग की पाइप आती है, ये सब क्या है, खोखला है। ऐसा तो है नहीं कि ठोस रहता है, खोखला रहता है ना। जैसे बॉटल ले लीजिए, अभी बॉटल क्या है, खोखला है। तो खोखला तो इसके सेंटर से एक त्रिज्या इसके अंदर तक आएगी, थोड़ा मोटे कागज, मोटे मैटर का बना होता, मोटे पदार्थ का बना होता, थोड़ा बाहर तक भी आता त्रिज्या। तो इसीलिए हमने ये मान लिया कि इसकी जो ये इतनी मोटाई है, ये क्या है इसकी, इसमें मोटाई है इतनी, और अंदर से क्या है, खोखला है। तो जो अंदर वाली त्रिज्या होगी उसको हम लोग स्मॉल आर बोलेंगे, आंतरिक त्रिज्या बोलेंगे, और जो बाहर की त्रिज्या उसको बाहरी त्रिज्या बोलेंगे। तो आंतरिक त्रिज्या स्मॉल आर, वाई त्रिज्या बराबर कैपिटल आर, ठीक है। अब हम चलिए एक एक चीज इसका लिखना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो इसका आधार होगा, ये भी वृत्ताकार होगा, तो आधार का क्षेत्रफल क्या होगा, जो इसके आधार होंगे उसके क्षेत्रफल क्या होंगे, या हम शीर्ष कह सकते हैं, शीर्ष का एरिया, तो पाई बड़ा आर स्क्वायर माइनस छोटा आर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ जाएगा। क्या करना है, बड़े आर में से छोटे आर को स्क्वायर को माइनस कर देना है। दूसरा बात आ जाएगा कि इसका वक्र पृष्ठ कितना होता है। तो खोखले बेलन का वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ मतलब ये हुआ कि नीचे और ऊपर वाले पार्ट को छोड़कर हम जहां जहां उसके टच कर सकें वो उसका वक्र। जैसे मान लीजिए बॉटल है, मैं यहां से काट दूं और इसके अंदर मेरा अगर हाथ चला जाए तो मैं इसके अंदर वाले को भी टच कर सकता हूं बॉडी को, और बाहर को भी टच कर सकता हूं। तो जो इसका वक्र पृष्ठ कहलाएगा खोखले बेलन का, ये बाहर का ही नहीं अंदर वाला भी, जिसको हमें टच कर सके हाथ से लगा के। मान लीजिए ठोस होता तो क्या टच कर सकते, यदि ये भरा होता तो मैं क्या हाथ डाल के इसको टच कर पाता, नहीं कर पाता ना। यदि खाली है तभी तो टच कर पा रहा हूं। तो वक्र पृष्ठ क्या होगा, बाहर का भी वक्र पृष्ठ और अंदर का भी होगा। तो चलिए देखते हैं इसका वक्र पृष्ठ कितना होगा। वक्र पृष्ठ तो बाहर वाले का क्या हो जाएगा, 2 पाई बड़ा आर इंटू एच,
प्लस अंदर वाले का क्या हो जाएगा, 2 पाई छोटा आर इंटू एच। अब इसमें क्या करेंगे, 2 पाई एच कॉमन लेंगे तो बड़ा आर प्लस छोटा आर, ये आ जाएगा इसका वक्र पृष्ठ। आप देख सकते हैं क्या किया मैंने, बाहर वाले का भी लिख दिया और जो अंदर छोटी त्रिज्या थी यानी कुछ मोटाई की रही होगी चारों ना, उसकी लिख दिया, ये आ गया। ठीक है, ये वक्र पृष्ठ ध्यान रखिएगा, अब इंपॉर्टेंट चलने लगा, थोड़ा टफ होने लगा है मीटर। ठीक है, ये इस पर आ गया। अब मैं बात करूं संपूर्ण पृष्ठ की, तो संपूर्ण पृष्ठ ये तो रहेगा ही वक्र पृष्ठ, लेकिन नीचे का भी क्षेत्रफल और ऊपर का भी क्षेत्रफल लगेगा, तो संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा, तो वक्र पृष्ठ तो 2 पाई एच इन ब्रेकर कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर प्लस, आप बताइए नीचे का एरिया कितना था, पाई बड़ा आर स्क्वायर छोटा आर स्क्वायर, और ये नीचे और ऊपर दो जगह है ना, तो 2 लगाएंगे, 2 पाई सॉरी हाँ बड़ा आर स्क्वायर माइनस छोटा आर स्क्वायर। अब इसको हम थोड़ा सॉल्व करके आपको देते हैं कैसे आएगा इसका आंसर, देखिए 2 पाई एच इन ब्रेकेट बड़ा आर प्लस छोटा आर प्लस 2 पाई, अभी ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा है, एक में जोड़ेंगे एक में घटा देंगे, तो अब इसमें देखेंगे हमें 2 पाई और आर प्लस एच, आर प्लस एच कॉमन है, तो 2 पाई इन ब्रेकेट आर प्लस एच कॉमन ले लेंगे सॉरी बड़ा आर प्लस छोटा आर, तो एच प्लस बड़ा आर माइनस छोटा आर, ये इसके संपूर्ण पृष्ठ का फॉर्मूला आ गया। ठीक है, देख लो हो समझ में, लेकिन सुनेंगे तो बहुत मार मारेंगे तुम लोग को, समझ लो हाँ, जो भी मस्ती आ रही है तुम लोग को। आपको एक चीज बता दे, या तो आपको किसी भी क्षेत्र में उफान लाना है, उफान समझते हो ना बाढ़, चाहे वो शिक्षा हो चाहे व्यापार हो या धन दौलत हो, लगभग किसी भी क्षेत्र में उफान लाना है, उफान समझ रहे हो ना बाढ़, तो उसके प्रति आपके दिल में तूफान होना बहुत जरूरी है। अब वो चाहे आपकी शिक्षा हो या व्यापार हो या चाहे जो, चाहे पॉजिटिव डायरेक्शन में या नेगेटिव डायरेक्शन में, जब तक आपके दिल में उसके प्रति तूफान नहीं होगा तब तक आपके उफान आने वाला नहीं है, समझ लीजिए। ठीक है, तो एक तूफान पैदा करो यार, उसके बाद उफान लाओ, क्या दिक्कत, एंजॉय करो। अब हम इसके आयतन की बात करते हैं, इसका अच्छा इसका आयतन क्या होगा, आयतन तो वही होगा ना जो अंदर भरा जा सके, मतलब वही छोटी त्रिज्या वाला, लेकिन ये आयतन का मतलब इसमें ये होगा कि इसमें जो मेटल लगा है बनाने का पदार्थ, उस पदार्थ का कितना आयतन लगा है। खोखले बेलन का आयतन निकालने का मकसद ये होता है कि जिस मैटर से चारों तरफ उसकी दीवारें बनाई गई हैं, वो बनाया गया है, उस पदार्थ का आयतन कितना होगा, तो खोखले गोले में लगे पदार्थ का आयतन निकालेंगे, सॉरी खोखले बेले में, खोखले बेलन में पदार्थ का आयतन, पदार्थ का आयतन कैसे निकलेगा, बड़े वाले आयतन वाले में से छोटे वाले आयतन को माइनस कर दो तुरंत निकल आएगा, बड़ा वाला क्या होगा, पाई बड़ा आर स्क्वायर इंटू एच माइनस पाई छोटा आर स्क्वायर इंटू एच। अब आप यहां से पाई एच कॉमन ले सकते हो, तो आर स्क्वायर माइनस छोटा आर स्क्वायर घन सेंटीमीटर की हो, ये आपके आयतन आ गया। तो खोखले बेलन की जितनी चीजें थी हम शायद इसको सब बता चुके हैं आपको, अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम संघ के बारे में पढ़ाएंगे, और फिर संघ का छिन्नक क्या होता है, यानी जो बाल्टी होती है वो किस आकार की होती है, इन सब चीजों को बताया जाएगा। ठीक है, तो ये आप नोट कर लीजिए, बस आज के जो वीडियो होगा उसमें इतना ही पढ़ाया जाएगा, बाकी आगे कल पढ़ाएंगे। आपको पसंद आया होगा तो आप लाइक करेंगे और शेयर भी करेंगे जरूर, धन्यवाद। चलिए बच्चों, कितना हम लोग पढ़ चुके हैं, अब आप देख सकते हैं कि क्या क्या मैंने आपको पढ़ा चुका है इस वीडियो में, घन हो गया, घनाभ हो गया, वृत्त, गोला, अर्धगोला, ठोस, बेलन और खोखला बेलन, इतने चीजें के फार्मूले आपको हम बता चुके, और ये कैसा इनका शेप बनता है, इसका पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, वक्र पृष्ठ क्या होता है, ये सारी चीजें हम बता चुके हैं। अब आपको हम बचा एक है शंकु, उसको भी बता दे रहे हैं, शंकु क्या होता है, आपने शंकु देखा कभी, बर्थडे कैप देखा है, या कोन जो आइसक्रीम वाला होता है वो शंकु आकार होता है, कैसा होता है, शंकु आकार होता है, इसी तरह से होता है कुछ, ये इसकी त्रिज्या में आर मान लो, छोटा आर ही रखिए और ऊंचाई एच मान लो, तो ये इसकी ऊंचाई कहलाती है और ये क्या कहलाता है, त्रिज्या कहलाता है, ये जो तिरछी वाली ऊंचाई है इसको हम लोग त्रियक ऊंचाई बोलते हैं, क्या बोलते हैं,
त्रिज्या ऊंचाई बराबर यल। अच्छा आप गौर से देखेंगे बाबू, यहां समकोण त्रिभुज बनेगा, देखिए दिख रहा है ना, यहां एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो जब हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएं तो हम इसका लंब त्रिज्या ऊंचाई निकाल सकते हैं, कैसे, कर्ण स्क्वायर बराबर यानी यल स्क्वायर बराबर लंबाई यहां से यहां तक की होगी, यल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो यल का मान क्या आ जाएगा, अंडर रूट के अंदर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ये क्या जाता है त्रिज्या ऊंचाई आ जाती है। उसके बाद इसके आधार का यानी जैसे रखते हैं ना बर्थडे कैप जो सर पर पहले पहनते हैं नहीं, उसका क्षेत्रफल क्या होता है, तो आधार इसका वृत्ताकार होता है तो आधार का क्षेत्रफल क्या होगा, तो शंकु के आधार का क्षेत्रफल, आधार का एरिया क्या होगा, तो नीचे जो वृत्ताकार होता है तो जो वृत्त का क्षेत्रफल होगा वही आधार का क्षेत्रफल होगा, तो पाई आर स्क्वायर लगा देंगे। दूसरी बात आती है इसका वक्र पृष्ठ कितना होता है, वक्र पृष्ठ मतलब जितना कागज लगे एक बर्थडे कैप को बनाने में, जितने कागज की हो सकता हो, जितने मेटल की हो सकता हो, ठीक है, वो उसका क्या कहलाएगा, वक्र पृष्ठ कहलाएगा। या ये कह दे कि किसी शंकुआकार तंबू बनाना है, कोई तंबू ऐसे क्वेश्चन आएंगे कि कोई शंकुआकार तंबू और टेंट लगा हुआ है, उसको बनाने के लिए आवश्यक कैनवास की या आवश्यक कपड़े कपड़ा कितना आवश्यक होगा, कितने वर्ग मीटर की आवश्यकता होगी। तो जब तंबू बनाते हैं तो कपड़ा नीचे तो लगाएंगे नहीं फर्श पर, चारों तरफ ही लगाएंगे ना, या आप ही सोचिए जब कैप बनाते हैं बर्थडे कैप ही, तो क्या नीचे भी से भी कागज लगा देते हैं, नीचे से तो लगाते नहीं, क्योंकि जब नीचे से लगाएंगे तो पहनेंगे कैसे, लगाते केवल बाहरी सतह से है। तो शंकु का वक्र पृष्ठ देगा, शंकु का वक्र पृष्ठ कितना आ जाएगा, इस शंकु का वक्र पृष्ठ की बात करें तो पाई आर एल होता है, क्या होता है पाई आर एल, ठीक है। अब आता है इसका आयतन क्या होगा, आयतन का मतलब आयतन वही निकलेगा जिसमें कुछ भरा जा सके। आप सोचिए बर्थडे कैप में क्या कुछ भरा जा सकता है, भरा जा सकता है, कैसे, बर्थडे कैप को उल्टा कर दीजिए, इसको हम पकड़ के उल्टा कर देंगे तो इसके अंदर बहुत कुछ भर सकते हैं, तो इसका आयतन होगा, ठीक है। तो शंकु का आयतन, शंकु का आयतन एक बटा तीन पाई आर स्क्वायर एच, क्या होता है एक बटा तीन पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। जैसे ऐसे क्वेश्चन आएगा कि एक आइसक्रीम वाला है जो कोन है उसकी त्रिज्या इतनी है, ऊंचाई इतना है, उसमें आइसक्रीम डाल रहा है, भर रहा है, तो आइसक्रीम और ऊपर से जैसे आइसक्रीम आप देखे होंगे कुछ इस तरह से होती है, मान लीजिए कोन हो गया इसका, तो ऊपर से इसे थोड़ा भर देते हैं, ठीक है, इस तरह से भरा रहता है, भरते हैं ना, भरते हैं, ठीक है, लेकिन वो अलग की बात है कि आपको दिखाने के लिए इंप्रेस करने के लिए दुकान वाले ऊपर भर देते हैं लेकिन नीचे उतना दबा के नहीं भरते। तो जैसे एक बार खुद उनका जो डालने वाला होता है ना चम्मच, उससे कुछ ज्यादा डालेंगे एक बैग कि जो थोड़ा थोड़ा डालेंगे तो नीचे चला जाएगा, और एक बैग जब डाल देंगे तो थोड़ा यहाँ जाके रुक जाएगा। अब मान लीजिए यहाँ जाके नीचे अंदर आइसक्रीम रुक गया है, उसके बाद एक बार ऊपर से लगा देंगे, आप सोचेंगे कि भैया हमें बहुत ज्यादा दे रहे हैं, ठीक है, आप बेवकूफ बन के खुश रहेंगे, आप जैसे खा के यहां तक के खा जाएंगे, उसके बाद जैसे आप नीचे से करेंगे पूरा खोखला खोखला मिलता जाएगा, क्यों। और आप देखेंगे कि जितने थोड़ा अच्छे महंगे वाले होते हैं उनको ज्यादा ऐसे पतीले बना देते हैं, इस तरह से बनाते हैं, क्यों, क्योंकि जितना पतला होगा उतना नीचे जाएगा नहीं, अगर नीचे जाएगा तो उनका जो आइसक्रीम वाला है ना भरने वाला आइसक्रीम है वो बची तो जाएगा, और कौन नीचे से क्या रह जाएगा, खाली रह जाएगा। तो ऊपर से आपको भर के दिखा देते हैं कि भैया ऊपर से बहुत ज्यादा भर कर दे रहे, जितना नीचे से उन्होंने बचाया उतना ऊपर डाल दिया, दिया उतना ही बराबर, लेकिन आपको एक्स्ट्रा लग रहा है कि भैया ने मेरे को एक्स्ट्रा दे दिया, ठीक है, ऐसा बेवकूफ बना देते हैं। तो इसका आयतन भी हम लोग निकाला जा सकता है। अच्छा आयतन निकालने में भी लगेगा कि कोण में आइसक्रीम भरा हुआ है पूर्ण रूप से, प्लस ऊपर देखो अर्ध गोलाकार डाल दिया गया है, तो हम आधे गोले का भी आयतन जोड़ देंगे उसमें, और आधे गोले का आयतन मैंने पढ़ा चुका, ठीक है। तो बस ये जो वीडियो रहेगा इसमें इतने ही रहेंगे, क्योंकि ये फार्मूले वाला वीडियो रहेगा जिसमें मैंने घन घनाभ में अंतर बताया, प्लस इसके फार्मूले बताया, त्रिज्या ऊंचाई कोण कितने होते हैं सब बता रखा है, वृत्त क्या होता है, गोला क्या होता है, अर्ध गोला क्या होता है, ठोस बेलन क्या होता है, खोखला बेलन क्या होता है, और ये क्या रहा शंख, ठीक है, इतनी चीजें हो चुकी है। अब एक चीज और बचती है, वो भी इसमें दिली, एक आता है शंख का छिन्नक, आप जब क्लास 10th में जाएंगे तो आपको उससे क्वेश्चन मिलेगा शंख का छिन्नक,
तो चलिए हम सम का छिन्नक बता दे रहे हैं, क्या है, नोट हो गया ये, नोट कर लीजिए आप लोग, नोट कर लीजिए, नोट कीजिए आप लोग। चलिए अब देखेंगे शंकु का छिन्नक क्या होता है। शंकु का छिन्नक ये होता क्या, जैसे मान लीजिए कोई शंकु है, कोई कोण है, अब क्या करना है, इसको ऐसे बीचों से काट देना है, काट के निकाल दो, कट गया समझ लो, ये सब कट के निकल गया, तो ऐसे तो बचेगा, ऐसे ही बचेगा, तो इसको हम लोग शंकु का छिन्नक कहते हैं। अब एक्चुअली इसका फिगर ऐसे बनेगा, इसको हटा दीजिए आप, किसी शंकु ऊपर से काट दे उसका शीर्ष, तो ये क्या कहलाएगा, शंकु का छिन्नक। अब इसकी ऊंचाई हम h मान लेंगे, क्या मान लेंगे, ऊंचाई h मान लेंगे, और बड़ी बड़े वाले शीर्ष का, क्योंकि नीचे बड़ा होगा और ऊपर छोटा, तो बड़े शीर्ष की त्रिज्या बड़ा r मानेंगे और छोटे वाले की त्रिज्या छोटा r मानेंगे, और त्रिज्या ऊंचाई समान l मानेंगे। तो हम देखेंगे इसका वक्र पृष्ठ क्या होगा, ठीक है, इसका आयतन क्या होगा, इसके आधार का क्षेत्रफल क्या होगा, ये सारी चीजें हम इसमें सीखेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे इसकी त्रिज्या ऊंचाई l क्या होगी, त्रिज्या ऊंचाई l बराबर फार्मूला होगा अंडर रूट के अंदर h स्क्वायर प्लस बड़ा r माइनस छोटा r का होल स्क्वायर, बड़ा r माइनस छोटा r का होल स्क्वायर, ये इसकी त्रिज्या ऊंचाई का फार्मूला हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे इसका वक्र पृष्ठ क्या होगा। अच्छा जैसे एक चीज और देख लीजिए, आप लोगों ने बाल्टी देखा है, बाल्टी कभी बाल्टी ऐसे तो बनती थी, देखो ना देखो, अरे अब तो शायद जो प्लास्टिक वगैरह की पेंट वाली बाल्टी आ रही है वो तो सीधा सीधा बेलन आकार की रहती है, लेकिन जो स्टील वाली बाल्टी आती है या बहुत पहले लोहे की बाल्टी चलती थी ना, आयरन वाली बाल्टी चलती थी, वो ऐसे रहते थे बहुत जगह, उसी से कुछ लोग मारपीट करने के टंगरा तोड़ देते थे, तो खाली बाल्टी रहा था नहीं अक्सर देखो, तो अच्छा तिरछा हो गई है, नहीं सीधा बाल्टी रहा था। अच्छा नीचे तो पहले बंद रहता तो होगा इसका ना, कि नीचे भी खुला रहता है, नीचा खुला तो बाल्टी कैसे रह जाएगी, रह जाएगी नहीं रहेगी ना, तो नीचे बंद रहता है। चलिए ठीक है, तो एक्चुअली आप लोग को छिन्नक देखना है, इसी को हम लोग शंकु के छिन्नक भी कहते हैं। अब इसको चाहे ऐसे बना ले या ऐसे बनाए, बात एक ही है, इसकी ऊंचाई एच, त्रिज्या ऊंचाई एच, छोटी त्रिज्या आर, बड़ी त्रिज्या कैपिटल आर, तो ये इसको हम बंद कर दें या ना बंद करें वो अलग की बात है। अब इसका हम वक्र पृष्ठ निकालेंगे, वक्र पृष्ठ तो पाई आर एल होता है ना, तो यहां दो त्रिज्या रहेंगे, एक बड़ा एक छोटा, पाई आर इंटू एल, ये फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। फिर आता है संपूर्ण पृष्ठ, क्या आता है, संपूर्ण पृष्ठ। अच्छा ये संपूर्ण पृष्ठ वक्र पृष्ठ है क्या, वक्र माने बाहर बाहर का, यानी जो लोहे के या स्टील की बाल्टी को बनाने में जो चादर लगा होगा नीचे वाला, जो पेंडी वाला, तो उसको छोड़कर जो चादर लगा होगा वही इसका वक्र पृष्ठ बताएगा, ठीक है। लेकिन संपूर्ण क्या बताएगा, जो नीचे पेंदी के पेंदी लगाते हैं ना नीचे से, जिसको ये वाला इसको भी ले ले, और जो साइड साइड वाला उसको हम संपूर्ण पृष्ठ कहते हैं। अब एक टंगर वाला ना ले हूं वो ना ही लगते हैं इसमें, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो ये सब एरिया निकल ला भैया, तो वक्र तो रहेगा ही रहेगा, प्लस नीचे वाला भी कर दीजिए वृत्ताकार होगा पाई आर स्क्वायर, यदि मान लीजिए ऊपर वाला भी बंद है तो बड़ा पाई आर स्क्वायर, कभी बाल्टी कहेगा तो इसको नहीं लिखेंगे, लेकिन बाल्टी ना कहकर केवल छिन्नक की बात करें, संपूर्ण करें, तो आप ये मान लीजिए कि ऊपर वाला भी बंद कर दिया गया है, ठीक है, तो ये शंकु का छिन्नक कहलाएगा। जब ऊपर वाला भी बंद होगा तो पाई बड़ा आर स्क्वायर लगाएंगे, यदि नहीं बंद होगा, जैसे मान लीजिए बाल्टी है तो बाल्टी का ऊपर वाला मुंह खुला रहता है, तो हम क्या करेंगे, इसको नहीं लगाएंगे, ठीक है। अब आता है इसका आयतन, तो इसका आयतन का सूत्र क्या होगा, एक बटा तीन पाई ब्रेकर में बड़ा आर स्क्वायर प्लस छोटा आर स्क्वायर प्लस बड़ा आर इंटू छोटा आर इंटू, ये फॉर्मूला होता है आयतन का।
संघ के चिन्ह का ये फॉर्मूला होता है। करेक्ट, सही है, बिल्कुल ठीक है। तो ये आयतन हो गया। आयतन को हमेशा मीटर क्यूब या सेंटीमीटर क्यूब या घन क्यूब में लिखते हैं, क्योंकि आयतन में तीन भुजाएं होती हैं, इसीलिए क्यूब आती है। जब भी कभी क्षेत्रफल की बात आए तो वहां पर हम लोग मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर लिखेंगे या वर्ग मीटर लिखेंगे, क्योंकि क्षेत्रफल में लंबाई गुणे चौड़ाई ही होती है। एक बार लंबाई में मीटर आएगा, एक बार चौड़ाई में मीटर आएगा, इसीलिए मीटर स्क्वायर ही लिखेंगे। और कभी तिर्यक ऊंचाई आ जाए, परिधि आ जाए, परिमाप आ जाए, तो उसको केवल सेंटीमीटर या मीटर में लिखते हैं। मात्रा का बड़ा विशेष ध्यान रखना है आप लोग, ठीक है। तो इसमें हम लोगों ने बहुत कुछ चीजें पढ़ी है, घन, घना, वृत्त, गोला, अर्धगोला, सारी चीजें हम लोग आपको फार्मूले के कवर कर दिया है, ठीक है। बस इसमें इतना ही रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, नोट कीजिए इसको।